वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द न्यू टॉपिक कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर. हियर देयर इज ए कंडक्टर इन विच देयर इज ए कैविटी. ए प्लस क्यू चार्ज इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड इनसाइड द कंडक्टर. मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, यह किसी भी रेगुलर शेप का हो सकता है, क्लोज्ड कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी है, खाली स्पेस है, और उस खाली स्पेस में थ्रेड के सहारे एक प्लस क्यू चार्ज लटक रहा है. अब जरा सोचिए कि इसके हम जरा गॉस ला लगाएं. सपोज कीजिए कि हम एक गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं और यह गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर है. जो खाली स्पेस है जस्ट उसके बाहर, जस्ट आउटसाइड द एम्प्टी स्पेस हमने एक गॉसियन सरफेस लिया. सपोज कीजिए कि इस कैविटी के सरफेस पर क्यू डैश चार्ज आया, इंड्यूस हुआ. अब अगर हम यहां गॉस ला लगाएं तो गॉस ला कैसे यूज करेंगे? यूजिंग गॉस ला फॉर जस्ट आउटसाइड द कैविटी एंड इनसाइड द कंडक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इसलिए ई डॉट डीएस को हम जीरो लिख सकते हैं. तो इसको हम लिखे जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड. अब क्यू इनसाइड के जगह पर हम लिख सकते हैं क्यू डैश प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो क्यू प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो, इसलिए क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू. अर्थात यहां पर जो चार्ज आया वह क्या आया? माइनस क्यू चार्ज आ गया यहां पर, यानी क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज आया. इसका मतलब है पहले से यह कंडक्टर हम मानकर चले हैं कि न्यूट्रल है. पहले से यह कंडक्टर न्यूट्रल है, इसका मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए प्लस क्यू, क्योंकि कुल चार्ज बॉडी पर कितना होना चाहिए? जीरो. तो माइनस क्यू चार्ज अगर इनर सरफेस पर है तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज आ जाना चाहिए? प्लस क्यू चार्ज आ जाना चाहिए. अब यदि हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेंगे तो हम कैसे खींचेंगे? अब हम इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड खींच कर दिखा रहे हैं आपको. सपोज कीजिए इसी में हम खींच रहे हैं. अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेंगे तो हम कैसे खींचेंगे इसको, देखिए. यह हमारा कैविटी है. अब हम इस गॉसियन सरफेस को हटा रहे हैं, यह हमारा कैविटी है और यह चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है. तो यहां से फील्ड इस दिशा में होगा, हर दिशा में होगा, हर दिशा में होगा. तो इसको अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार नहीं करना चाहिए कंडक्टर के बॉडी से. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट क्रॉस थ्रू द बॉडी ऑफ द कंडक्टर. इससे होकर क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि अंदर में है, बीच में हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखा रहे हैं और सारा फील्ड लाइन हम फिर बाहर की ओर निकलते हुए दिखा रहे हैं. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है. अभी अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है.
तो किसी कंडक्टर के अंतर्गत यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यदि कोई कंडक्टर है और उसके अंदर में कैविटी बना दिया जाए तो उस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हम किसी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल स्ट्रांग फील्ड से बचाने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे कैविटी में रख देते हैं। कैसे कैविटी में रखते हैं? ऐसा कंडक्टिंग सर्क, ऐसे कंडक्टर के अंदर जिसमें कैविटी बना हुआ हो उसमें अगर रख दिया जाएगा तो उसमें रखने से क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को कैविटी में रखें तो बाहरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको प्रोटेक्शन होगा। उसमें क्या होगा कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड आया तो चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होगा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। और इसी फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। Here is the question. A long cylindrical wire carries a positive charge of linear density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. Here, lambda is given, charge per unit length. This is 2.0 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. An electron revolves around it in a circular path under the influence of attractive nuclear force. Electron ka mass kya hota hai? Mass of electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Find the kinetic energy of electron. And kinetic energy of electron kya hoga? Jara sochiye, charge kya hota hai? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। सपोज कीजिए कि यह एक वायर है और इस पर यही वायर है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। यहां किसी पॉइंट पी, यहां एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। An electron revolves around it in a circular path. Find the kinetic energy of electron. हमें kinetic energy electron का निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि electric field अगर r radius हो circular path का, तो electric field के कारण electron पर force लगेगा। Electric field क्या होगा? E will be lambda by 2 pi epsilon naught r. यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा E into E. यह फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर हैविंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कारण मान लीजिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब आप देखेंगे कि ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई के जगह पर लिखेंगे इंटू ए स्मॉल ई इज इक्वल टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर बाई आर। दिस आर will be cancelled. अगर हम यहां से लैम्डा का वैल्यू मालूम है, ई का वैल्यू मालूम है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है, हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आ जाएगा जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। तो यहां हम लिखते हैं कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 into
लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू है 2.0 इंटू 10^-8 इंटू स्मॉल ई, स्मॉल ई इज द चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एम ई इंटू बी स्क्वायर. अब हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही काइनेटिक एनर्जी है. और इस काइनेटिक, इसलिए दिस काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 9 × 10^9 × 2 × 10^-8 × 1.6 × 10^-19 जूल. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप पाएंगे यह वैल्यू आ रहा है 2.88 × 10^-17 जूल. दिस इज योर आंसर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.